तो गाइस अनबॉक्सिंग वीडियो आपने देख ही लिए। आज हम बात करने वाले हैं BGMI इस कंट्रोलर की। इसके साथ में मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा गेम को प्ले किया और आज आपको जो है फाइनल जो है इसका रिव्यू देने वाला हूँ कि आपको इसको परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और गाइस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, आगे आपको ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने को मिलती रहेगी। तो चले गाइस फिर बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। देखो गाइस बिल्ड क्वालिटी का होता है प्राइस से कंपेयर करते हैं तब आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी का पता चलेगा। देखो गाइस अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है 230 रुपये में मैंने इसको परचेज किया है, लेकिन इसकी प्राइस जो है रहती है 250 रुपये, 280 रुपये के करीबन इसकी प्राइस रहती है। तो उसके हिसाब से देखें तो गाइस बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान से जब आप इसको परचेज करो ना तो पहले देख लेना है आपको कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, निगल तो नहीं रही है, फिर आपको इसको रिप्लेस करवा लेना है। तभी जब मैंने इसको पहले परचेज किया था तो उसमें प्रॉब्लम आई थी तो मैंने इसको फिर इजिली जो है एकदम से रिप्लेस करवाया, लेकिन जो ये वाला मेरे को मिला है ना ये ठीक है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे को इसमें यहाँ से लगी। जो ये वाला ट्रिगर्स है ना ये बार बार हल्का सा निकल जाता है, देख सकते हैं आप पीछे हो जाता है ना। तो आप अच्छे से देखना और रिप्लेस करवा के जब तक आपके पास एक बेटर प्रोडक्ट ना है जब तक आप को रिप्लेस करवाइए। और गाइस अब बात करते हैं भाई कंट्रोल कैसा होता है गेम, टच रिस्पॉन्स कैसा है। देखो गाइस 6 फिंगर बन जाती है, 1 2 3 4 और ये 5 एंड 6, 6 फिंगर कंट्रोलर एकदम बन जाता है इसे लगाने के बाद में। और गाइस कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर आप जब इसको शुरू शुरू में परचेज करोगे और इसे कंट्रोल करोगे तो आपसे अच्छे तरीके से नहीं खेला जाएगा। जैसे मैं खेल रहा था तो गाइस मेरा तो एक्सपीरियंस काफ़ी बैड रहा है इसके साथ में शुरू में खेलने में, लेकिन गाइस अगर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे ना तो आप भी काफ़ी अच्छे तरीके से इससे गेम को प्ले कर सकते हैं। अगर गाइस रिस्पॉन्स टाइम की बात करें तो अच्छे तरीके से वर्क करता है, थोड़ा आपको जो है थोड़ा हार्ड सा दबाना पड़ता है, यानी हल्का सा टच हो गया डिस्प्ले पे वर्क करता है, ऐसा नहीं है आपको थोड़ा टाइट दबाना पड़ेगा तब जाके वर्क करता है, लेकिन वर्क करता है डेफिनेटली। अब बात करते हैं भाई इससे मोबाइल पे कोई डाउनग्रेड होता है क्या इसको यूज करने से। देखिएगा जब आप इसको मोबाइल पे लगाओगे ना तो आपको एक चीज को ध्यान रखना है कि आपको जो कैमरा है ना वो इस पे ना आए या इस तरीके से घस्सा ना लग जाए। अगर आप इस तरीके से इसमें खिसकाओगे तो स्क्रीन जो कैमरे का लेंस है ना उस पर स्क्रैच लगने के चांसेस रहते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस तरीके से स्मार्टफोन को सेट करना है ताकि वॉल्यूम एंड पावर बटन ना प्रेस हो। सबसे अच्छी बात है जैसे मैंने अभी पिछली बार एक वीडियो बनाई थी पबजी टिकर्स को लेकर जो इसमें मैंने फिक्स करने पड़ते, लेकिन एक प्रॉब्लम रहती थी अगर हमने सेटिंग खोल ली हो तो वो इधर हाइड हो जाता था साइड में, लेकिन इसमें सिंपली क्या है इसको इस तरीके से ऊपर की साइड में कर लो और यूज कर लो जो भी आप यहां से करना चाहते हैं जो इसमें हाइड हुआ है, फिर इसको इस तरीके से कर दो तो काफी अच्छा है अगर गाइस मैं आपको बताऊं तो। गाइस उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है या आप कुछ मेरे से पूछना चाहते हैं तो या नीचे कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मेरी तरफ से गाइस आपको 24 आवर्स में मैसेज रिप्लाई जरूर से मिल जाएगा। और गाइस आप देख सकते हैं मिनी कूलर मेरे पीछे रखा है साइड में, इसकी वीडियो जो है जल्दी आने वाली है, वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चले गाइस मिलते हैं आपको फिर किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।